धार में आज कांग्रेस की प्रत्याशी प्रभा देवी गौतम के समर्थन में कांग्रेसियों ने भव्य रैली शहर भर में निकाली। इस दौरान हजारों की संख्या में उत्साही कांग्रेसी नगर में कांग्रेस का ध्वज हाथ में लेकर निकले। नगर में निकली कांग्रेस की रैली में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। रैली की शुरुआत धार के श्रीधारनाथ मंदिर से पूजन पाठ कर नामांकन जमा कर यह रैली नगर में निकली। लालबाग से शुरू हुई रैली का नगर में अनेक स्थानों पर भव्य स्वागत भी किया गया। रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ धार विधानसभा से कांग्रेसी प्रत्याशी प्रभा देवी गौतम, बाल मुकुंद सिंह गौतम, मनोज सिंह गौतम और पीथमपुर सहित समस्त धार विधानसभा के कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता चल रहे थे। 3 दिनों से लगातार धार शहर में रैलियों का दौर जारी रहा। दोनों दल और बागी प्रत्याशी अपनी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। वहीं आज कांग्रेस की निकली इस विशाल रैली ने शहर में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।